नमस्कार, एनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। विकास खंड सुल्तानगंज के गांव सिमरई में किसानों को खाद न मिलने से किसानों में आक्रोश दिखाई दे रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से की है। देखिए हमारे संवाददाता विवेक कुमार की ये रिपोर्ट। विकास खंड सुल्तानगंज के क्षेत्रीय सहकारी समिति सिमरई पर यूरिया खाद किसानों को नहीं मिल रही है, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी से ग्रामीणों ने गांव जिरोली निवासी विजय सिंह ने जिलाधिकारी मैनपुरी को प्रार्थना पत्र देते हुए गुहार लगाई है। क्षेत्रीय सहकारिता समिति समृद्धि पर खाद है, लेकिन किसानों को नहीं दी जा रही है। गांव निवासी बॉबी चौहान, उदयपाल, राजेश, सुभाष, राम सिंह आदि लोगों ने जिलाधिकारी से शिकायत की है। वहीं प्रार्थी विजय सिंह पुत्र तुकमान सिंह निवासी जिरोली तहसील कुरावली थाना बिछमा ने आरोप लगाया है कि नगला भगत स्थित बिछमा सोसाइटी का संचालन हो रहा है, जहां से यूरिया खाद की कालाबाजारी की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। 310 में जाइए, हमें 320 तक कही और ताजेबाजी हमें मिलना रही है भाई। ताला लगवा में कितना टाइम हो गया तुम्हें? तीन घंटे से लाइन में लगे। हाँ, सचिव कहाँ है? सचिव बैंक में चले गए और राम सिंह जेठाने साहब ने भैया भाई बोरी खाद की उठाई गई इंटर बोलो कितने उठाई बोले ना। जब कोई तो बता दो के बाग धनबाबू बाग बदनपुरा को उठाई रही हो सियाराम अब जिन लोगों ने उठवाई है हम कहा जाने कितने उठवाई हमने कही हम देखे कार्रवाई मिली 320 है पैसा है।